स्टार्ट करें। कहाँ तक हुआ अपना कंपटीशन? कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। कंपटीशन तो ऐसे भी बहुत है बेटा। तो आज ये चैप्टर खत्म करना है अपने को, है ना? कंपटीशन स्टार्ट करना था ना। प्रेडिक्शन हो गया था। कंपटीशन हो गया था। कहाँ तक हुआ था? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एकदम अलर्ट हो के एक्टिव होके बैठ जाएंगे क्लास में, ना? पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। चलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंपटीशन। किसकी बात कर रहे हैं? कंपटीशन। अच्छा देखो, कंपटीशन की बात होगी जब कभी भी, तो क्या होता है? दोनों स्पीसीज का नुकसान होगा। मतलब कैसे होगा? माइनस माइनस। कैसे होगा? माइनस माइनस। हमने देखा कि कंपटीशन हुआ था, बताता है एक्स वाई वाला एग्जाम्पल, कार में बैठा के डॉक्टर ले गया था। हाँ तो भाई, तो जब कभी भी कंपटीशन होगा क्या होगा? दोनों स्पीशीज का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस, अगर मैं बात करूं फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज की वैल्यू क्या बता रहा है? आर बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? वैल्यू आर। आर का मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड। आर की अगर मैं बात करूं, आर का मतलब होता है बी माइनस डी। क्लियर? इज अ सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। सपोज यहाँ पे एक ए स्पीसीज है, यहाँ पे एक बी स्पीसीज है, दोनों ही कैसी है? कार्निवोरस। क्या है? कार्निवोरस। तो मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ, ये ए है। क्या है? ए है। और ये क्या हो गई? बी हो गई। क्लियर? अब दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि सेम फूड पे काम करते हैं दोनों। तो अब क्या होगा बेटा कि जो बर्थ और डेथ का रेशियो है ना, इनके बीच में आर की वैल्यू हमेशा कम आएगी। क्या बात समझ में आ रही? और आर की वैल्यू और ज्यादा किसकी कम होगी? जो इंफीरियर होगा। सपोज अगर मैं बात करूं, ये क्या है? डोमिनेट। क्या है? डोमिनेट है। तो इसका बी बर्थ ज्यादा होती होगी, डेथ कम होती होगी। क्या बात समझ में आया? और अगर मैं बात करूं, ये इन्फीरियर है, तो इसकी बर्थ क्या होगी बेटा? अगर ज्यादा होगी भी तो डेथ और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आर का वैल्यू क्या होगा? कम। इसका आर का वैल्यू ज्यादा। तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे बेटा? कॉम्पिटिशन पे। जब कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में कॉम्पिटिशन होगा दो स्पीसीज के बीच में, तो आर की वैल्यू रिड्यूस होगी। और फिर आर की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? आर की वैल्यू ज्यादा उसकी होगी जो वहां पे कौन होगा? डोमिनेट होगा, और जो क्या होगा? फिटेस्ट होगा। और इसीलिए डार्विन बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, जो ज्यादा फिट है। लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? फिर अगर आगे मैं जाऊं बेटा, तो क्या होगा? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्ट एग्जाम में आई हुई है बेटा। क्लियर है? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगर मैं बात करूं, देखो दो स्पीसीज हैं। क्या है बेटा? दो स्पीसीज हैं, ए और बी। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन हो रहा। तो जो डोमिनेटेड स्पीसीज है वो तो ठीक है, लेकिन जो इंफीरियर वन है उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पीट करना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। और धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? उसको इवॉल्व होना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना वो क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रैट्स, रैट्स की पॉपुलेशन पहले कहां रहती थी? अगर मैं बात करूं, जमीन पर रहती थी। क्लियर? जंगलों में रहती थी। लेकिन क्या होता था बेटा? उनका शिकार बहुत ज्यादा होता था, प्रेडेशन। क्लियर है? मतलब घास वास के बीच में जैसे ही बाहर जाते, चील उड़ा के ले जा रही है। फिर उन्होंने क्या किया? धीरे से खुद को इवॉल्व किया, बरोइंग करने लगे, बिल बना के रहने लगे। तो उन्होंने क्या कर लिया? खुद को इवॉल्व कर लिया। फिर उनके अंदर कैसी क्षमता आ गई कि अंदर टनल में रहने की? तो एक तरीके की क्या है? पोटेंट सोर्स तो कर रहा है, उसको इवॉल्व कर रहा है धीरे 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 चेंजेस। क्या बात समझ में? तो इंटर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कंपटीशन होगा, तो दो ऑप्शन बचेंगे, आइदर इवॉल्व और एक्सटिंक्शन। या तो स्पीसीज इवॉल्व कर जाएगी, या तो वो एलिमिनेट हो जाएगी वहां से। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है बेटा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी कंपटीशन ऑकर व्हेन कंपटीशन कब होगा ऑकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट फॉर द सम अगर मैं बात करूं लिमिटेड रिसोर्स अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो क्या कर रही है बेटा सेम रिसोर्स के लिए अगर काम कर रही हैं तो वहां पे क्या होगा कंपटीशन क्या बात समझ में आ रही है इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको गॉसियन लॉ क्या बोलता है हाउ टू अवॉइड कंपटीशन क्लियर है जैसे कि अगर मैं बात करूं आप सब हो सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबके बीच में क्या है आप सब क्लोजली ही रिलेटेड हो एक ही स्पीशीज से हो तो आपके बीच में क्या है बेटा कंपटीशन है क्या है कंपटीशन है अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आप एलिमिनेट हो जाओगे नीट से और आप कॉलेज नहीं पहुंच पाओगे जो ज्यादा मेहनत करेगा जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो कॉलेज को डिजर्व करेगा क्या बात समझ में आई तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कब हो जाएगा बेटा जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स की लड़ेंगे आपके लिए सेम रिसोर्स क्या हो गया यहाँ पे नीट तो नीट एक एग्जाम है जो सेम रिसोर्स के जैसा काम कर रहे हैं और आप सब उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो क्या हो गया आपस में कॉम्पिटिशन रिसोर्स चेंज करूं सपोज इसमें से 50% स्टूडेंट किसकी तैयारी करने लगे जेई की तो अब बताओ क्या ये दोनों रिसोर्स शेयर हो गए अलग अलग तो अब बताओ कि जेई और नीट वाले बीच में कंपटीशन होगा कभी नहीं होगा बिकॉज रिसोर्सेज आर डिफरेंस अरे आगे समझ में तो कंपटीशन कब होगा जब सेम स्पीसीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए काम करेगी व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स फूड एंड शेल्टर क्या बताया था लास्ट क्लास में तो रिसोर्स को जब भी मैं बात करूं तो आप याद रखेंगे फूड एंड शेल्टर या तो दो स्पीसीज इस वजह से लड़ रही हैं क्योंकि मेरे को ये इलाका चाहिए या तो मेरे को ये फूड चाहिए क्लियर है लेकिन रिसोर्स क्या है लिमिटेड और रिसोर्स हमेशा क्या रहता है ज्यादातर लिमिटेड इसीलिए एनसीईआरटी बोली थी क्या बोली थी बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ आर मोर रियलिस्टिक क्लियर है क्लियर है अब मैं बात करूं अनरिलेटेड स्पीसीज कैन आल्सो कॉम्पीट फॉर द रिसोर्स अब अनरिलेटेड स्पीसीज भी कई बार क्या कर सकती है बेटा कॉम्पीट कर सकती है रिसोर्स के लिए एग्जाम्पल से याद रखेंगे बेटा क्लियर है ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जैसे फ्लेमिंगोस एंड फिशेज इन अगर मैं बात करूं सेम सोलो साइज अमेरिकन लेक कॉम्पीट फॉर जू प्लैंकटन वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा पूछ लेगा अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में जब क्या हो जाए कॉम्पीट करें किसके लिए सेम रिसोर्स जैसे कि फ्लेमिंगो ऑफिसेस इस अगर मैं बात कर रही है एक तालाब है और इस तालाब में क्या है जू प्लैंकटन है क्या बेटा अब जो फिशेस हैं और ये जो फ्लेमिंगो हैं दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन किसके लिए कॉम्पीट कर रही हैं सेम फूड के लिए सेम रिसोर्स के लिए जो कि क्या है जू प्लैंकटन है क्लियर है कंपटीशन ऑफर इन अगर बात करें अबंडेंट रिसोर्स आल्सो अब जब रिसोर्स क्या है बेटा अबंडेंट है तब भी कंपटीशन हो सकता है कैसे अगर मैं बात करूं इन अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट तो मैं तीन कंक्लूजन पे आऊंगा यहाँ पे बेटा कि कॉम्पिटिशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है व्हेन ये दो कंडीशन है व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड देखो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ तीन कंडीशन बता रहा हूँ मैं क्लियर है एक तो किसमें हुआ बेटा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्लियर है अगर मैं बात करूं डिफरेंट स्पीसीज ये दो कंडीशन के कंपटीशन कब हो रहा है जब रिसोर्सेज आर लिमिटेड अब सवाल उठता है क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा तो कंपटीशन हो सकता है क्या फिर भी हो सकता है और ये बात एग्जाम में क्लिक नहीं करेगी ये बात एग्जाम में क्लिक नहीं करेगी क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बढ़ जाता है कंपटीशन तब तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड अब रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है
तो फिर कैसे ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं जैसे कि गैलापागोस आइलैंड इवोल्यूशन में, वहां पे क्या रहते थे बेटा, एल्बिंगो टर्टल्स वहां पे राज हुआ करता था, बहुत सारे रहते थे, मेरे बड़े बड़े होते थे, फीड करते थे ग्रास पे। तो क्या हुआ वहां पे एक साइंटिस्ट ने कुछ क्या लेके चले गए घूमने गए, तो बकरा लेके गए मस्त एकदम शक्तिशाली बकरे, बोले कि इनको खाएंगे निपटा के, भूख लगी कभी तो साथ में बकरे ले गए 5-7 और धोखे से बकरियां भी रख लिए, तो रिप्रोडक्शन भी हो गया, अब बकरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब वहाँ पे अब जो बकरे और बकरियां हैं, अगर मैं बात करूँ गोट स्पीसीज जो है वो भी क्या कर रही है, ब्राउजिंग कर रही है, खा रही है, लेकिन इनकी चरने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, टर्टल बहुत स्लो होते हैं, घास तो बहुत लगी है ना। अब यहाँ टर्टल चल रहे हैं 4-5, खाने आए बकरे आए पूरा निपटा दिए, आगे भाग गए खाने के लिए। अब जैसे टर्टल आगे पहुंचेगा वहां तक, वो वहां का निपटा के आगे भाग गए, तो रिसोर्स तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही, ब्राउजिंग कैपेसिटी, खाने की क्षमता बहुत स्लो है। बेचारे वहां तक पहुंचे, बोले रात हो गई है थोड़ा सोते हैं, 10 मीटर बचा है, सुबह उठे सूरज उगा बकरे फिर लाइन से निपटाना चालू कर दिए, ये 2-3 पत्ती खा पा रहे हैं वो पूरा पूरा साफ कर दे रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो क्या हुआ डिकेट्स ऑफ लाइफ में, अगर मैं बात करूं लगभग डिकेट्स का मतलब 10 ईयर, जो लगभग 10 से 15 साल में देखे पूरे के पूरे टर्टल विलुप्त हो गए, वहां से स्पीसीज खत्म हो गई। क्या बात समझ में आया, तो ऐसा भी हो सकता है जब रिसोर्स क्या हो अनलिमिटेड हो, लेकिन अनलिमिटेड होगा तो आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया, सीटें बहुत कर दी जाए, सीटें बहुत कर दी, अनलिमिटेड सीटें नीट से कट ऑफ रख दिए बेटा कितना 580, तो सीटें तो हैं अनलिमिटेड, लेकिन 580 तो पहुंचना ही पड़ेगा, तो फिर भी सिलेक्शन तो होगा लोगों का, किन लोगों का, अच्छे स्टूडेंट का होगा, बाकी सीटें में नहीं बैठ पाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जीरो कर दिए ना रैंक एग्जाम को मतलब ही नहीं है, सीटें अनलिमिटेड हो गई, लेकिन फिर भी मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ में आया। चलो वो टर्टल पीछे जाके नहीं खा सकते थे, ऐसा बोल रहे बेटा, कहाँ पीछे जाते, हाँ नहीं खा सकते बेटा, वो आगे पीछे थोड़ी की रेस थोड़ी लग रही, तुम आगे आगे खाओ पीछे छोड़ दो, चारों तरफ से निपटाते थे बकरे हैं वो, अभी दिखाता हूँ ये देखो जबरदस्त बकरे, जमीन तो छोड़ो पेड़ पौधे में एकदम लटक लटक के खा रहे हैं, अब बेचारे ये देखो पड़े हैं, बोले हम क्या करें हमारा तो सर्वनाश हो गया है आपके, है कि नहीं, ये देखो बोले मुंह उठा के देख रहा है क्या करूं भाई, नारियल पानी पी लूं क्या, नारियल पानी भी नहीं छोड़े इंसान चढ़ के खा गए, बोले है कि नहीं, कुछ बचा ही नहीं बेचारे को, धीरे धीरे निपट गए सबके सब, काफी बड़े हुआ करते थे, इतना बड़ा होता कि इसके ऊपर आराम से तुम बैठ जाओगे, क्लियर, इतने बड़े बड़े होते हैं टोटल ये, इतने बड़े बड़े, समझ में आ रही है। तो ये देखो बकरों को देखो तंदुरुस्त साले, मटन खाने मजा आ जाएगा, अच्छा इतने हेल्दी क्यों दिख रहे हैं, अरे अभी बकरीद नहीं आई है ना इसलिए हेल्दी दिख रहे हैं, तुम बेटा मिलो मेरे को, गिरी कैसे छोड़ दूं भाई मैं इनको, इनके वजह से टर्टल भी लुप्त हो गए, गलत हुआ कि नहीं, सुपीरियर तो इंफीरियर को एलिमिनेट किए, मैं सुपीरियर हूँ इनको एलिमिनेट कर दूंगा, है कि नहीं, तो नेचर यही है बेटा, तुम जंगल में जाके नहीं बोल सकते और शेर भाई साहब क्या हाल चाल, इंडेंजर्ड हो मैं नहीं मारूंगा, बोले इधर आ, हाँ बेटा बोलो, ऐसे हाथ रखे पंजा खप से अंदर, चिल्लाते रहे यहीं पकड़ेगा सीधे, चिल्लाते रह जाना बोलना वेजिटेरियन वेजिटेरियन, है कि नहीं, ऐसे मोलर मोलर मोलर, शेर को मतलब नहीं है सब चीजों से बेटा, वो शेर है, तुमको क्या पूरी गाड़ी खा जाएगा जितने लोग बैठे हैं, समझ में आया, और खाएगा तो खाएगा क्योंकि वो शेर है, उसके साथ 6 शेरनी और होती हैं, समझ में आ रहे हैं, तो ये सब मतलब बहुत ज्यादा वहां पे जाके सब भावना नहीं देना है इकोसिस्टम में बेटा, ये सब आपस में चलता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ निपटा देते हैं पकड़ के, क्लियर है। चलो तो ये क्या समझे बेटा, कंपटीशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा,
क्या बोल रहे हैं बेटा, एविडेंस फॉर कंपटीशन। अब कंपटीशन का एविडेंस की बात कर रहे हैं, क्लियर है? क्या क्या डिस्टर्बेंस हुआ, एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्लियर है? डायरेक्ट एग्जांपल आएगा, एक मैं बताता हूँ। चलो जैसे कॉम्पिटिटिव, अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव रिलीज, इट इज द एक्सपांशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ स्पीसीज व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज इज रिमूव। जब कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको एक्सपांशन जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी देखो जैसे पता है कि सपोज ये एक जंगल है, क्या एक जंगल है, जंगल बन जा भाई, ये जंगल है, यहाँ पता है लायन रहते हैं, कौन रहते हैं, लायन रहते हैं, तो ये बात तो पता है, इधर लायन कह रही है तो डियर क्या रहेंगे, बस इधर सिमटे हुए रहेंगे, चलो भाई कोपचे में भी आ जाएगा बब्बर शेर, है कि नहीं, समझ में आया? तो इधर ही इधर घूमेंगे, बोलेंगे इधर इधर इधर, उधर नहीं जाना वापस, इधर 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 इधर, ज्यादा ज्यादा चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल, तो एक लिमिटेड उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबको बोलू चलो तुम्हारी शिफ्टिंग होगी, चलो तुम जू चलो, चलो कौन सा बाग है यहाँ पे, मैत्री बाग, मैत्री गार्डन, चलो सबके साथ, समझ में आए? तो सबके सब क्या हो जाएंगे, एक्सपांड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, एक्सपांड कर जाएंगे, और जब एक्सपांड कर जाएंगे खूब खाएंगे पिएंगे रिप्रोडक्शन करेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं बेटा, फोरिकल फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है? किसके ऊपर है, बार्निकल्स के ऊपर, क्या है बेटा, बार्निकल्स के ऊपर, ये दिख रहे सब क्या है, बार्निकल्स। अब बार्निकल्स कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे, क्लियर है, चट्टानों में रहते हैं। अगर इसको इसका ज्यादा अच्छे से तुमको समझ में कहाँ आएगा, इवोल्यूशन में, कहाँ पे है, इवोल्यूशन में, बार्निकल्स के बारे में, क्लियर है? लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो ऑन द रॉकी सी, क्लियर है, कोस्ट ऑफ अगर बात करें स्कॉटलैंड, क्लियर है, रॉकी, देखो रॉकी दिख रहा है, सी बीच, समुद्र के किनारे रॉक होती है, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, तो वहीं की बात करें, देयर आर टू बार्निकल स्पीसीज, वहां पे क्या बार्निकल रहते थे, दो बार्निकल की स्पीसीज रहती थी, क्लियर है? बेलेनस, पहला कौन सा बेटा, बेलेनस, जो कि क्या थे, लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर थे, एंड दूसरा क्या थे बेटा, अगर मैं बात करूं कैटामुलस, अगर मैं बात करूं ये कैसे होते थे, स्मॉलर होते थे, कैसे होते थे, स्मॉलर मतलब छोटे होते थे। तो अगर मैं बात करूं जो डोमिनेट थे वो क्या कर दे बेटा, पूरे के पूरे जो स्मॉल वाले थे उसको क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, वहां से निपटा दिए, समझ में आया? तो क्या हुआ, व्हेन अगर मैं बात करूं कोनोलियर एक्सपेरिमेंट रिमूव, अगर मैं बात करूं बेलेनस, फिर जो दूसरे वाले थे क्या हुए, कॉलोनाइज, और क्या कर गए वहां पे, इंट्रोड्यूस जोन पे रह गए, मतलब प्रीडेटर को हटा दिए, तो जो बचे हुए थे वापस से फलने फूलने लगे और बढ़िया से ग्रो कर गए वहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रीडेटर को हटा देते हैं तो जो इंफीरियर स्पीसीज होती है वो बढ़िया से ग्रो करती है, लेकिन इसका और दूसरा नुकसान है, ग्रो करेगी, अच्छा, प्रीडेटर आल्सो कंट्रोल द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्या बात, समझ रहे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीडेटर का। जैसे कि यहाँ पे 100 हिरन है, तुम लोग क्या हो, 100 हिरन हो, और मैं अकेला क्या हूँ यहाँ पे, शेर, क्या बात है, सही समझते हैं तुम लोग, क्लियर है? अब तुम 100 हिरन हो, मैं अकेला यहाँ पे शेर हूँ, तो अब क्या होगा, तुम आपस में क्या होगा, तुम बात तो करते होगे, चलो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ एकदम सन्नाटे में बैठ जाते हो, पढ़ना है भाई, बातें नहीं करना है, क्या बात, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा पूरा फोकस किधर है, शेर से, कि अभी शेर है करके, भाई अभी हिरन, भाई सन्नाटे का मतलब, अगर शेर ना रहे, सपोज इमेजिन यू ऑल आर डियर, शेर नहीं रहेगा तो तुम आपस में मस्त हो जाओगे, खाना पीना खाओगे, तो क्या होगा, जब रिसोर्स की कमी होगी तो तुम्हारे आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा डियर्स के बीच में। जब शेर रहता है तो आधा से ज्यादा डियर का दिमाग तो शेर के ऊपर है, समझ रहे, वो आ रहा आ रहा आ रहा, तो अभी अभी खा जाएगा ना लाके, देख 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 उधर देख उधर तो नहीं आ रहा, देख देख पीछे तो नहीं लुका है, देख झाड़ी पीछे तो नहीं है, तो मतलब डियर का पूरा फोकस कहाँ है, लायन से बचने में है। तो क्या हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो डियर के बीच में होना था वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरा दिमाग तो लायन बिगाड़ के रखा है उनका, समझ में, अब वो हट जाएगा तो आपस में फूट चालू हो जाएगी, समझ में आया? जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इंडिया में, अभी इंडिया में करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी क्या होता है, लोगों को रिलीजन के बीच में भड़काते हैं कि दे दे मुस्लिम मुस्लिम, बोले मस्जिद तोड़ो तोड़ो झंडा ले लगा दो तुम गाड़ दो, बोले अरे हिंदू, बोले हरा झंडा टांग दो, ऐसे है कि नहीं, तो ये अभी तो ठीक लग रहा है,
लोगों के दिमाग में अरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने, और लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर बने तो कैसे चले बेटा? राम राज्य से चले, राम राज्य से चले। राम राज्य चलाने से पहले लोगों को राम के बारे में जानना जरूरी है। वॉट इज राम राज्य? राम राज्य की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो बेटा उस टाइम पे पता है घरों में कुंडियां ही नहीं होती थी, अयोध्या में कुंडियां ही नहीं होती थी, लोग तीन तीन दिन तक घूम रहे हैं, कोई चोरी नहीं है, यहाँ भी यहाँ साले को मैं 10 रुपए गिर जाएगा, जाऊंगा 10 मिनट में नहीं मिलेगा। समझ में? लोग ईमानदार हों, समझ में? या तो जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, खुद ही सबसे बड़े चोर हैं। हर चीज का एक बेनिफिट है, लेकिन राम को समझे बिना राम राज्य नहीं लाया जा सकता, समझे बेटा? तो उसी तरीके से एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो क्या होगा अभी आप विवाद करोगे किस पे? हिंदू मुस्लिम पे। जब तुम डाइवर्ट कर दोगे फिर किस पे बात करोगे? ब्राह्मण पे, वैश्य पे, शूद्र पे, फिर उनको कर दोगे बोलोगे दलित है टारगेट करो। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता ना, ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग को पागल बनाते रहो आप, और जब तक जनता अनपढ़ रहेगी वो पागल बनते रहेगी, समझे बेटा? तो डाइवर्जन इसी तरीके से कहां हो रहा है? इकोसिस्टम में हो रहा है। जैसे कि जब तक प्रेडेटर है प्रे क्या कर रहा है उस पर पूरा फोकस है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को इससे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, समझ में? और क्या बढ़ गया? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो अलग रिलीजन के बीच में कंपटीशन हो गया, जबकि उसकी कोई नीड है ही नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब गॉस ने क्या किया बेटा? एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। मैं डायरेक्ट मुद्दा समझाता हूँ क्या है। क्लियर है? उन्होंने देखा कि कंपटीशन को कैसे खत्म करें, बताओ उनको। चलो पहले उनकी लाइनें बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अगर मैं बात करूं, कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंटली, अगर बात करूं एंड ऑल्सो, अगर मैं बात करूं उनके बीच में क्या हो रहा है बेटा? कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। क्या बात समझ में आ रही है? तो बोल क्या रहे हैं, मैं तुमको समझाता हूं। देखो कि सपोज दो स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कभी भी साथ में रह ही नहीं सकती हैं। जो डोमिनेटिंग होगी वो इंफीरियर वन को क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी, और वहां पे खत्म हो जाएगा मामला। अगर वो दोनों सेम रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, तो इससे बचे हैं क्या? फिर उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी साथ में कोएग्जिस्ट कर रही हैं, कई सालों से कर रही हैं। कैसे कर पा रही हैं? दे शेयरिंग देयर फूड। फूड अगर मैं बोलूं, एक ट्री है, सपोज 5 लोग हैं, 5 तरीके की चिड़िया हैं, 3 लेते हैं पहले, तो एक डिसाइड कर ली भाई मैं इंसेक्ट खाऊंगी, एक डिसाइड कर ली मैं फूड पे फीड करूंगा, मतलब फ्रूट्स पे, एक डिसाइड कर ली मैं लीव्स पे करूंगी फीड। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी क्या करी? आपस में कोएग्जिस्ट कर गई। इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्शलिंग। समझ में आया? रिसोर्स को क्या कर लिए? पूरा का पूरा पार्टीशन में डिवाइड करके अपना अपना खाएंगे भाई। दूसरा, चेंज इन टाइमिंग इन फॉरगेजिंग। फॉरगेजिंग टाइमिंग चेंज कर लिए कि देखो बहन हम आएंगे सुबह, सुबह आएंगे बढ़िया खाएंगे पिएंगे, दिन भर तो खाएंगे नहीं और खा पी के चले जाएंगे 2 बजे तक, तुम लोग आना 2 बजे, ठीक है हम 2 बजे आएंगे। फिर दूसरी स्पीसीज आई 2 बजे, 2 से 5 खाई और निकल गई। फिर तीसरे ही 5 से 7 खाए और सो गए। तो देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कोएग्जिस्टेंट हुआ, लेकिन क्या चेंज किए? फॉरगेजिंग की टाइमिंग। क्लियर है? फिर इन्होंने एक चीज और देखा बेटा, ये तो मैं बताया, बचा कैसे जा सकता है? इन्होंने क्या देखा था बेटा? अब देखो एक ट्री दिख रहा है, अ येल्लो बर्ड स्पीसीज फॉरगेज अक्रॉस द होल ट्री। पहले येल्लो बर्ड पूरी ट्री पे फॉरगेज करती थी,
फिर दूसरी अगर मैं बात करूं अ लार्ज रेड स्पीसीज, क्या की वहां पे आ गई बेटा कॉम्पीट फॉर रिसोर्स, लार्ज रेड वाली बड़ी है और कॉम्पीट की रिसोर्स के लिए, तो रेड डोमिनेट की इन मिडिल, रेड डोमिनेट कर गई फॉर मोर अबंडेंट रिसोर्सेज, येलो अडॉप्ट टू निके अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन, येलो वाले ने दूसरा एरिया पकड़ लिया उसी पेड़ का, किसके लिए, अपना फॉरगेस करने के लिए, तो दे बोथ स्पीसीज अवॉइड कॉम्पिटिशन, तो क्या हो गया, दोनों को एग्जिस्ट कर गए, ये क्या बोलता है गॉस लॉ, क्लियर है, स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन में इवॉल्व, क्लियर बेटा, मैकेनिज्म फॉर कोएग्जिस्टेंस रदर देन एक्सक्लूजन, कैसे, रिसोर्स पार्टीशनिंग, समझ में आ गया रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, किस तरीके से दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं, रिसोर्स पार्टनरशिप कौन इस चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, गॉसियन लॉ, समझ गया क्वेश्चन कैसा आएगा, या एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताओ किस चीज का एग्जाम्पल है, तीन तरीके से यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डिविजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स का क्या होगा, डिविजन बाय स्पीसीज टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम और डिफरेंट फीडिंग पैटर्न, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल मैकआर्थर शोज दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर, तो मैकआर्थर ने किसका एग्जाम्पल दिया, फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको, क्लियर है, लिविंग ऑन कहां पर है, लिविंग ऑन अ ट्री कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरगेजिंग एक्टिविटी, तो हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी इज्जत के साथ रह सकती है अगर वो क्या कर ले, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ले, अरे क्लियर है बेटा, बेटा एसी ऑन करो थोड़ा, गर्मी नहीं लग रही तुम लोग को, लग रही ना बेटा, चालू करो, वैसे भी गर्मियों का मौसम आ ही गया है कि नहीं, फील होता है ना दोपहर में, नींद आती होगी चार बजे करीब, साढ़े तीन बजे, हाँ वेरी गुड, इंसान तुम भी हो मैं भी हूँ यार, मेरे को भी आती है उस टाइम पे, क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा, टेम्परेचर चेंज है, मतलब सबकी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट आएगा, है कि नहीं, अब बस ओवरकम करना आना चाहिए उसको, है ना, गर्मियों में तो भाई मैं कभी भी प्रिफर नहीं करता हूँ ये क्लास लेना, तीन से लेके पाँच के बीच में, बच्चों को तो पता नहीं, मैं तो जरूर झूम जाता हूँ कई बार, है कि नहीं, मैं तो मना ही कर देता हूँ इस टाइम पे कभी क्लास ही नहीं लेना है कि नहीं, क्यों लेना यार, लाइफ में रेस्ट भी तो करना चाहिए, है कि नहीं, जब मेहनत करना था तो खूब कर लिए, अब तुम्हारी बारी है, करो खूब मेहनत, है कि नहीं, क्या बात है, इतनी इतनी मेहनत करना है जीवन में, समझ ना, लड़कों को बढ़िया है बेटा, बाल ही नहीं होते इतने, दो चार तो गंजे हो जाते हैं एकदम, खत्म ही अकेली, बोले मेरे तो बाल ही नहीं, बाल ना ही हो तो बढ़िया है, अभी देखो जो गंजे हैं वो इतने गधे होते हैं कि मतलब पैसा दे दे के नकली बाल लगवा रहे हेयर ट्रांसफर, अभी क्यों कराना है, पैसा दे के हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, क्यों करा रहे हो पैसा दे के, बाली तो दे, कौन सा काम था उनका, वेस्टिजियल है, चले गए तो अच्छा है, टाइम बचेगा, है कि नहीं, कंघी करने का टाइम बचा, तेल लगाने का टाइम बचा, है कि नहीं, अब होता क्या है ना, बेकार चीज अगर सबके पास है ना तो बेकार भी अच्छी लगती है फिर, तुमको पता होना चाहिए, ये जो अगर मैं बात करूं गंजापन, एक तो जेनेटिकल होता है, पढ़े हो गए जेनेटिक्स से आता है, अब भाई जेनेटिक्स से आई हुई चीज को कितना ठीक करा लोगे, है कि नहीं, ये होगा वो दिखाते हैं ऐड, नहीं तेल लगाओ बाल, कुछ नहीं होता, तेल लगाने से बाल आते तो ला मैं पूरे मुंह में लगा के दिखाऊंगा, आएंगे क्या, जहाँ हेयर फॉलिकल नहीं आ ही नहीं तो वहाँ बाल ही नहीं आएंगे जीवन में, वो आए बियर्डो वाले आएंगे, बियर्डो एकदम परेशान लगे, एकदम ला रहे बियर्ड आएगी, अबे कैसे आ जाएगी बियर्ड, हेयर फॉलिकल थोड़ी उगा देगा तेल, समझ में आ रहा है, जिस तरीके की फालतू चीजों से बचना चाहिए, और मैं तुमको ये भी बता दूं फ्यूचर जनरेशन में किसी के सर में बाल ही नहीं रहेगा, समझ में आया, होमो सेपियन सेपियन फ्यूचरलिस फ्यूचर ह्यूमंस, समझ में आया,
उनके सर पे बाल ही नहीं होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हर वो चीज जा रही है जिसका यूज नहीं है। सर पे बाल रख के कोई मतलब नहीं है, अब तो सब गंजे हो जाएंगे। जब सब गंजे हो जाएंगे ना, तो जिसके सर पे बाल आएंगे वो खुद सर गुणवाएगा भी। समझ में आया? क्लियर है? जैसे वो लड़कियां समझ गए क्या है, यही होता ही है। जबरदस्ती खर्चे बढ़ा रहे हैं, घर फोन करके अलग, मम्मी पैसा भेज देना। अरे यार क्या है, सब ह्यूमन रहो, इंसान जानवर हो तुम लोग, क्या हो? अरे सब जानवर हो भाई, मैं भी जानवर हूँ, हम सब जानवर हैं, एनिमल किंगडम के हैं, प्लांट के हैं क्या हम लोग? तो फिर बस थोड़ा सा क्या है, सोशलाइज है, तो सोशलाइज बिहेवियर से रहो ना। अब हरकतें जानवरों वाली हैं, तो फिर सकल सुंदर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? पैरासिटिज्म कहाँ पहुंच गया बेटा? पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है पैरासिटिज्म? मैनी पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक। बहुत से पैरासाइट कैसे हैं बेटा? होस्ट स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं कैसे होस्ट स्पेसिफिक है बेटा, दे कैन, अगर मैं बात करूं कैसे हो रहेंगे पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल होस्ट स्पीसीज। वाह, ईमानदार, लॉयल और लॉयल्टी की सीख कोई इन पैरासाइट से ली। भाई मरते मर जाएंगे लेकिन होस्ट नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है बेटा। अगर ह्यूमन होस्ट है ना तो ह्यूमन ही रहेगा, ह्यूमन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि काउ को होस्ट बना लेंगे, नहीं। होस्ट स्पेसिफिक है अपने पैरासिटिज्म में, क्यों? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये अपने होस्ट के साथ क्या कर जाते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं, इवॉल्व कर जाते हैं। कैसे? बेस्ट एग्जांपल बताया था तुमको, टेप फॉर्म, टीनिया सोलियम, क्लियर है? लोकोमोटरी ऑर्गन एबसेंट, सेंसरी ऑर्गन एबसेंट, कुक एंड सकर प्रेजेंट। ये क्या एक तरीके को इवोल्यूशन है। आउटर मोस्ट कैपिटम प्रेजेंट होती है, क्लियर है? विद प्रिवेंट फ्रॉम द, अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक, वरना तो मर जाने चाहिए था उसका। कैसे रह रहा है? कोइवोल्यूशन। क्या हुआ उसका? कोइवोल्यूशन मतलब होस्ट के साथ साथ पैरासाइट भी इवॉल्व कर गया, नहीं कर पाता तो स्पीसीज खत्म हो जाती। सिंपल सी बात है, क्या समझ में आया बेटा? चलो देखते हैं। अच्छा, पैरासिटिज्म में क्या होगा बेटा, देखते हैं। दे टेंड्स टू को इवॉल्व, इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं। इफ होस्ट इवॉल्व स्पीसीज मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, अगर होस्ट कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करता है उस पैरासाइट के अगेंस्ट, तो द पैरासाइट आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटर देम, टू क्या हो जाएगा, रिमेन विद द सेम होस्ट। कितनी भी परिस्थितियां बदल लो, ये साथ नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, इस तरीके के होस्ट है। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, थोड़े कुछ कुछ दिया है, जैसे कि याद रखना बेटा, पैरासिटिक वास्प, क्लियर बेटा, लार्वा, अगर मैं बात करें, माइग्रेटेड फ्रॉम अ कैटरपिलर, टोमेटो हॉर्नवॉर्म में बोलते हैं, कस्क्यूटा हो गया। अब कस्क्यूटा देखोगे प्लांट के साथ ही रहता है, क्लियर है? क्यों रहता है? कस्क्यूटा में लीफ होती है, होती है, क्लोरोफिल होता है, नहीं होता, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फूड तो बना ही नहीं सकता, सर्वाइव कैसे करेगा? दूसरे प्लांट से लेगा, समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीके का पैरासाइट हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं हेड लॉस, अगर मैं बात करूं जुआ, जिंदगी जुआ जुआ। अब देखो इसमें भी देखो, तुमको देखो, खैर लड़के तो है नहीं ज्यादा क्लास में, लेकिन फिर भी तुम लोग को प्राउड फील करना चाहिए, समझ में आया? मैं विंटर में पूछता था ना, कौन कौन नहाता, तो ये लड़कियां ही थी, सर हम करती थी, नहीं करती थी, और सबसे कम यही नहाती हैं बेटा, एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है? तो बेटा मेरे को एक लॉजिक बताओ बेटा, सबसे अच्छी, तो फिर तुम्हारे सर में इतने गंदे गंदे पैरासाइट कैसे पैदा हो जाते हैं? लंबे बाल होने की वजह से, तो फिर तो गंजे हो जाओ तुम। देखो तुम सोचो कि सर में मतलब पैरासाइट लेके घूम रहे लोग, अब देखो पैरासाइट है ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करना है, मस्त धूप में बैठ जाएंगी, इधर इधर निकाल निकाल जुआ निकाल, और इसमें एक लड़की और साथ देगी, बकायदा सेटिस्फेक्शन लेवल। भाई पैरासाइट है,
पैरासाइट है, मारना है उसको, मारेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के मेहनत करना चाह रहे हैं, ऐसा काम में मेहनत करना चाह रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। बड़ी ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे हाथ में रखेंगे, पूरा सेटिस्फेक्शन कहां तक लेंगे पता है, जब तक आवाज कान तक नहीं आ जाती, चिट चिट आना चाहिए, क्लियर है। और फिर उसी हाथ से जाके दाल चावल, समझ रहे हो, तो इस सब तक की तो गंदगी है बेटा जीवन में, समझ में दूर रहो यार तुम लोग, समझ में दूर रहो सब चीजों से, क्लियर है। अच्छा एकदम एकदम लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं लोग, है कि नहीं। अरे तो तुमको तो सच्चाई तो कड़वा ही होता है ना, तुमको तो बुरा लगेगा ही, तुमको तो लग ही रहा है, और जिसको ज्यादा बुरा लग रहा है उससे दूर हो जाओ बेटा, पता चले भाई खतरा है, क्लियर है, क्लियर है, तो समझ में आया, पैरासाइट्स, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडाप्टेशन ऑफ पैरासाइट, किसकी बात करें, एडाप्टेशन ऑफ पैरासाइट, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या दिया है, सकिंग इन, अगर मैं बात करूं लैम्प्रे लीच, बेटा सब पढ़ा हुआ एनिमल डाइवेस्टिंग याद होगा तो, क्लियर है। माउथ में देखो सकर दिख रहा है, एकदम मस्त ऐसे करके चिपक जाता है आपके स्किन से, खाओगे बेटा, इमेजिन क्यों कर रहे हो तुम, एकदम मुंह ऐसे ऐसे बना रहे हो कि लग रहा है कि तुम्हारे ही चिपक गया है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं करना, एकदम पढ़ाई को पढ़ाई जैसे लेना है, ठीक है, इतना प्रैक्टिकल फील मत करो इसको, ठीक है, हटाओ छोड़ो फिर कंप्लीट में, क्लियर है। कैसे कंप्लीट बोल रहा हूँ बेटा, लॉस एडाप्टेशन पैरासाइट क्या था, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन लाइक सकर, और अगर बात करें क्लीनिंग ऑन द होस्ट, अगर बात करें लोड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो गया, इनमें कोई पाया ही नहीं जाता, क्यों, क्योंकि सरफेस से, बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते थे, क्लियर, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए बोलते हैं दवाई का डोज पूरा लेना चाहिए, क्यों, आप आज लिए कल लिए थोड़ा आराम मिल गया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, अब तुम लेना बंद कर दोगे फिर वो रिप्रोडक्शन करके अगले दिन 2000 हो जाएंगे, समझ में आया, इसीलिए दवाई का डोज पूरा लो जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाते हैं, एग्जांपल याद रखेंगे, क्लियर है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स की, क्या क्या एडाप्टेशन हुआ है। अगर मैं बात करूं पैरासिटिज्म, जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट, आर ऑफ्टेन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। तो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट भी क्या होती है बेटा, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स होती है, कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। अब बोलोगे सर कैसे कॉम्प्लेक्स होती है, तो बेटा बताओ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल में कितने होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, दो होस्ट। अब भाई दो होस्ट रिक्वायर्ड है तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं, एक ही में रहेगा, दूसरे में पहुंच ही नहीं पाए तो निपट गए, है कि नहीं, समझ में आया बेटा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन लिवर फ्लू डिपेंड्स ऑन टू होस्ट, अगर मैं बात करूं, मार्क कर लो बेटा किस किस पे होता है, इंटरमीडिएट होस्ट अ स्मॉल स्नेल एंड अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, मलेरिया पैरासाइट नीड्स मॉस्किटो एंड स्प्रेड टू द अदर होस्ट, बता दें प्राइमरी सेकेंडरी मलेरिया लाइफ साइकिल पूरा क्लियर है किस तरीके से होता है लाइफ साइकिल। उसके बाद ये दिया पैरासाइट हार्म होस्ट, हार्म करता है ये पैरासाइट, क्या करता है बेटा, हार्म करता होस्ट को, टू अगर मैं बात करूं टू रिड्यूस द सर्वाइवल, सर्वाइवल को क्या कर देता है, घटा देता है अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, क्लियर। अगर मैं बात करूं दे रिड्यूस द सर्वाइवल, कैसे बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, सबको सबको तहस नहस कर देगा, दे मे मेक द होस्ट फिजिकली वीक एंड मोर वल्नरेबल टू, अगर मैं बात करूं प्रेडेशन, क्या आप मान सकते हो एक इतना सा पैरासाइट आपकी जान ले सकता है, क्यों, क्योंकि वो आपको खाना चाहता है। अब ये तो तुम इंसान हो ना, मतलब इंसान के रूप में हो, हरकतें तो नहीं लगती, क्लियर है, तो इंसान हो तुम जैसे, तो तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम तो डॉक्टर के पास चले गए, मान लो जंगल में कौन रहता है, सियार रहता है, बंदर रहता है, घोड़े रहते हैं, गधे रहते हैं, क्लियर है, तो कुछ स्टूडेंट भी जंगल में रहते हैं, क्लियर है, तो ऐसी जो प्रजाति है जो आइसोलेटेड है थोड़ा सा, तो थोड़ी ना सियार डॉक्टर के पास जाएगा,
कि भालू जाएगा डॉक्टर देखो पैरासाइट हो गया मेरे को, नहीं जा पाएगा, एक बार हो गया तो खेल खत्म, धीरे धीरे खाएंगे उसकी बॉडी को, वीक करते जाएंगे वीक करते जाएंगे वीक करते जाएंगे, वीक होते होते एक टाइम पे वो मर जाएगा और पूरा का पूरा भालू चट कर जाएंगे ये पैरासाइट, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, होस्ट को वीक करते हैं ताकि इसको इजिली मारा जा सके। तो जो ह्यूमन में भी पैरासाइट रहते हैं ना, वो तुमको मारने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बस आनंद ले रहे हैं, क्लियर है, वो मार के तुमको कच्चा जब आ जाएंगे पैरासाइट। इसीलिए हम क्या लेते हैं बेटा, मेडिसिन लेते हैं ताकि इनको क्या कर सकें, खत्म कर सकें। टाइप ऑफ पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक्टो पैरासाइट एंडो पैरासाइट, ये पता है, जो बॉडी के बाहर होते हैं एक्टो, जो बॉडी के अंदर, एग्जांपल आपके सामने है, क्लियर है, एक्टो और एंडो। एक्टो का मतलब जो बॉडी के बाहर, जैसे कि हो गया तुम्हारे ये हो गए जुआ हो गए टिक्स हो गए, क्लियर है, बॉडी के अंदर राउंड वॉर्म टेप वॉर्म ह्यूमन लिवर फ्लू। अब देखते हैं बेटा पैरासिटिज्म में एक्टो पैरासाइट्स, क्लियर, दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, फिर लाइस ऑन ह्यूमन टिक ऑन डॉग्स एक्टो पैरासाइट, कॉपी पॉट्स इन मैनी मराइन फिशेस, वो देखो दिख रहा है कॉपी पॉट्स कहाँ है, ये रहा मराइन फिशेस में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कस्टूटा प्लांट ऑन, अगर मैं बात करें हिज प्लांट्स, इट हैज नो क्लोरोफिल एंड लिव्स, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन बनेगा इस लाइन से बन सकता है इजिली, क्लियर है कि क्यों उस पर आता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये वर्क करता है एज अ पैरासिटिक प्लांट। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर अ पैरासाइट बिकॉज इट नीड अवर ब्लड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन नॉट एज अ फूड, वही जो फीमेल मच्छर काटती है बेटा, अगर मैं बात करूँ काटती नहीं काटती, फीमेल ही तो काटती है बेटा जीवन में, एक्सपीरियंस है, क्लियर है, तो ज्यादातर काटने का काम किसका होता है, फीमेल का, समझ में आया, कभी भी आपका काट सकती है। और मॉस्किटो की बात करूँ तो वो भी आपको काट सकती है। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मॉस्किटो का पैरासाइट क्यों नहीं बोला जा रहा है, हाँ क्योंकि बताया था बेटा, अगर मैं बात करूँ मलेरिया जब पढ़ाया था कि उसको रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट होगा, तो अगर बात करें रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर लाई करता है ह्यूमन ब्लड में, क्लियर है, तो काटने का काम किसका, फीमेल का, तो फीमेल से क्या रहना है, दूर। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो फीमेल से दूरी बना के रखो, या क्या करो, क्या करोगे, और कुछ नहीं कर सकते भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर है। और देखो दूसरा, काटती तो अलग है, खून भी पीती है, समझ में आया, वैसे ही बेटा खून की कमी दिख रही है मेरे को, समझ में आया, अब बचा हुआ खून अगर कोई पी लिया ना, तो फिर तो बेटा पीलिया ही हो जाएगा जीवन में, समझ में आया, तो इसीलिए फीमेल से बचना है, ठीक है। मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, खैर क्लियर है, मैं मॉस्किटो की ही बात कर रहा हूँ, तुम लोग अपने ऊपर मत लिया करो सब चीज, क्लियर है बेटा। अगर मैं बात करूँ उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, अगर मैं बात करूँ पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है, डिफरेंट साइड, पैरासाइट हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, अलग अलग साइड पर रहते हैं, अगर मैं बात करूँ, क्लियर है, लीवर किडनी लंग्स आरबीसी कहीं पे भी रह सकते हैं, जहाँ भी वो कंफर्टेबल हैं वो रह लें, है ना, रेंट वेंट तो लगता नहीं है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये पॉइंट याद रखना किसकी बेटा, द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आएगा ये वाला, है ना, तो फिर लगेगा कि इनका क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका क्यों नहीं, तो ज्यादा नहीं सोचना है, इनकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर बात करें दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर एंड हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अनदर पॉइंट कि अगर मैं बात करूँ क्या बनेगा, कि ऐसा क्या चीज है अगर मैं बात करूँ जिस वजह से जो तुम्हारे क्या है बेटा पैरासाइट है वो ज्यादा पोटेंट है सर्वाइव करने के लिए, तो उनमें से एक पॉइंट ये आएगा, ये ऑप्शन भी सही है, दे हैव मॉर्फोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ सिंपल होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ एनाटॉमिकल फीचर एंड अगर मैं बात करूँ हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, एक बार रिप्रोडक्शन कर लिए तो फिर हजार बढ़ जाते हैं, मरेंगे चार चार पांच पांच दस दस करके रिप्रोडक्शन हो गया तो हजार हजार बढ़ जाते हैं, क्लियर है। पैरासिटिज्म किसकी बात कर रहे हैं, पैरासिटिज्म, और किसमें क्या है बेटा, ब्रूड पैरासिटिज्म, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो मैं आपको ब्रूड पैरासिटिज्म डायरेक्ट बताता हूँ क्या होता है, एकदम बेहतरीन एक्सप्लेन करके, देखो ये कहानी है, क्या है, किसकी कहानी है, चालाक कौवे की और नादान कोयल की, किसकी है, चालाक कौवा और नादान कोयल, कोयल मतलब बेटा
मासूम होती एकदम, बहुत मधुर क्लियर है अगर मैं बात करूँ। और कौए, अच्छा उल्टा होता है, कौआ मासूम होता है। बेटा क्या बात कर रहे हो, हमेशा कौआ रोटी उड़ा ले जाता है, क्लियर है, क्या चीज हो जाता है, अंडा फेंक देती है। अरे यार क्या बातें कर रहे हो, अंडा फेंक देगी तो ये छुरी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बोलो बोलो, बताओ बताओ। हाँ मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये अंडे का फंडा है पूरा, क्लियर है। अब इसमें हमको यही समझना है किसका अंडा कहाँ जा रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है। तो किसका अंडा कहाँ जाएगा वो अभी किसी को नहीं पता है, वो किसमें समझ में आएगा, ब्रूड पैरासिटिज्म में। लेकिन एक चीज मान के चलो, कौआ चालाक बहुत होता है, क्लियर है, कौआ चालाक बहुत होता है और कोयल क्या होती है, नादान होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, मीठा मीठा बोलती कोयल और मीठा मीठा बोल के, क्लियर, तो ये मीठी छुरियों से बचें, क्लियर है। चलो बेटा देख रहे हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड। हियर अगर मैं बात करूं, द पैरासाइट बर्ड ले एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट। जो पैरासाइट बर्ड होते हैं वो क्या कर देता है बेटा, होस्ट के उसमें क्या कर देता है बेटा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में अंडे देगा जाके, क्लियर है। And lets the host, अगर मैं बात करूँ incubate them, और host जो है वो क्या करेगा, उसको बढ़िया से गधा बन के सेगा पालेगा और बड़ा करेगा, क्लियर है। ड्यूरिंग इवोल्यूशन एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी ऐसा हुआ है कि जो पैरासाइट का एग है वो होस्ट के एग से क्या करता है, रिजेंबल करता है, ताकि क्या हो बेटा, पता ना लग पाए कि ये क्या है, किसी दूसरे का अंडा है, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करें, साइज कलर लगभग सब सेम रहता है लगभग। सो द होस्ट बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट एंड रिजेक्ट द फॉरेन एग इजली, जिस वजह से जो होस्ट बर्ड है वो इजली डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसको अगर मैं बात करूं तो फॉरेन एग को, अब यहाँ पे होस्ट बर्ड कौन होगा, होस्ट कौन होगा और पैरासाइट कौन होगी, कोयल होगी, क्या बात समझ में आ रहा है। तो कोयल क्या करेगी, कभी कोयल घोंसला नहीं बनाती अपना, क्लियर है, कोयल घोंसला कभी अपना नहीं बनाती, वो क्या करती है, सीधे जाती है और अंडा दे देती है। कहाँ अंडा दे देती है, अगर मैं बात करूँ तो घोंसले में, किसके घोंसले में, कौवे के। और धीरे धीरे क्या होते हैं, दोनों के अंडे अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, अरे क्लियर है, दोनों के अंडे क्या होंगे, बड़े होंगे, बच्चा निकलेगा, बच्चा निकलेगा, फिर वो कौवा क्या करेगा, खाना खिलाएगा, खिलाते रहेगा, थोड़ा और बड़े होंगे, जैसे ही लग गया अरे तो डिफेक्टिव बच्चा कुछ, फिर भी वो मानेगा कि मेरा ही बच्चा है, क्लियर है। कई बार इंसान सच्चाई जानने के बाद भी एक्सेप्ट करता रहता है कि नहीं अपना ही है, अपना ही है, क्या बात समझ में आया। सच्चाई उस दिन पता चलती है जब कोयल कू कू करके बुलाती है और वो फट से उड़ के चला जाता है, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे, गद्दारी कर बे, समझ में आया। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इस बात का खुलासा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है बेटा, एक को फायदा और दूसरे को कोई घाटा ही नहीं होता है, क्लियर। इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि देख लो क्या क्या दिया बेटा, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, बार्निकल्स ऑन वेल, देखो देखो बार्निकल्स चिपके हुए वेल के साथ कितने सारे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या होगा, अगर बात करें ऑर्किड एंड कैटल, सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, एग्जाम्पल बेटा याद रखना है सबके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है कमेंसलिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक भिखारी है, अंबानी के घर के सामने खड़ा, एंटी लिया के भीख मांग रहा है, भीख दे दे भाई। अंबानी सुबह सुबह उठा, कपड़े पहना, बढ़िया कंघी किया, कंघी किया तो उसके बाल से 1 करोड़ रुपए झड़ गए नीचे, कितने झड़ गए बेटा, 1 करोड़, और सबके सब क्या हो गए, भिखारी के हाथ में आ गए। अंबानी को तो कोई परवाह ही नहीं ना 1 करोड़ रुपए की, लेकिन वो भिखारी क्या हो गया, माला माल, क्यों माला माल, क्योंकि उसकी सोची कितनी थी, 10 रुपए वाली,
और उसको कितने मिल गए 1 करोड़। तो एक को तो प्रॉफिट हो गया, अंबानी को कोई फर्क नहीं, तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, मतलब प्लस और जीरो। समझ में आ गया? तो ये किसमें होता है बेटा, अगर बात करूं अब इसका एक इकोलॉजी से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखोगे गाय भैंस को चरते रहती हैं घास में, तो उसके आसपास छोटी छोटी चिड़िया कूदते रहती हैं, क्लियर? क्या होता है, वो घास तो खाती है लेकिन उस घास में छिपे हुए जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, जब वो चलती है तो कूदने लगते हैं इधर से उधर डर के मारे। जैसे ही वो घास से निकलते हैं चिड़िया उनको पकड़ पकड़ के निपटाते जाती है। तो मतलब गाय का तो कोई लॉस ही नहीं है, लेकिन क्या हुआ, चिड़िया का प्रॉफिट हुआ। तो क्या हुआ, एक प्लस में और एक जीरो में, क्लियर है? ये क्या होता है, कॉमन सिलेजम, ठीक है? उसके बाद ये एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा, कौन कैसे करता है स्टिंग फिशिंग का। पढ़ू पढ़ू, समझ में आ गया ना? पढ़ दूं पढ़ दूं? हाँ पढ़ दे, पैसा दिए हो तो वसूलों में तो है ना, क्या को छोड़ोगे? बोले नहीं अरे पैसा पूरा दिए, क्लियर है? चलो जैसे अगर मैं बात करूँ बार्निकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ अ बेल, उसका फायदा इसको कोई इफेक्ट नहीं। अर्गोट वाली बात करूँ, वही अगर मैं बात करूँ सेम एग्जांपल लिखा हुआ कैटल वाला, क्लियर है? क्या बता देता हूँ, सी एनिमोन का बता देता हूँ। सी एनिमोन याद करो, सीलेंट्रेटा, नीडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स, क्लियर? तो उसमें पॉइजन भी होता है थोड़ा सा, तो सी एनिमोन के आसपास जल्दी कोई आता नहीं है। क्लॉन फिश, ये देखो क्लॉन फिश एग्जाम्पल आता है, इसका रिलेशन पूछता है, समझ में आया? कॉमन सिलिजम में आता है। क्लॉन फिश किसके साथ रहती है ज्यादातर? सी एनिमोन। क्यों? क्योंकि सी एनिमोन उसको क्या करता है, बचा के रखता है, क्लियर है? उसमें छुप जाती है पास में। क्यों? क्योंकि जो सी एनिमोन है क्लॉन फिश के लिए न्यूट्रलाइज रहता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता। लेकिन कोई शिकारी आएगा तो उसको तो लग जाएगा बेटा डंक उसका नीडोब्लास्ट से, तो फिर वो क्या हो जाती है, बच जाती है। सी एनिमोन का कुछ गया कि नहीं गया? कुछ नहीं गया, लेकिन उसकी लाइफ बच गई, तो वो क्या हो गई, प्लस में। म्यूचुअलिज्म क्या दिया बेटा, समझ में आई गया तुमको म्यूचुअलिज्म क्या होता है? दोनों प्रॉफिट साथ साथ रहेंगे, दोनों किस लिए रहेंगे, फायदे में रहेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसमें अंडरस्टैंडिंग छोड़ के सब रहेगा, समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाएगी लेकिन म्यूचुअल रहेंगे, क्लियर है? देख भाई मैं तेरे से फायदे, तू मेरे से फायदे, सिंपल सी बात, फायदे वाली प्रॉफिट, ये बिजनेस डील एक तरीके की, क्लियर है? क्या हम तुमसे फायदा ले रहे हैं, तुम भी हमको फायदा दो, क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि इसको पहले ही बहुत एक्सप्लेन कर दिया था मैं, क्लियर है? एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाइकेंस, क्लियर है? अगर मैं बात करूँ इट इज, अगर मैं बात करूँ न्यूटलिस्टिक, अगर बात करूँ रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, अगर मैं बात करूँ माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या हो जाएगा बेटा, एसोसिएटेड बिटवीन, मार्क करते चलो जो जो मार्क है, फंगई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट। अब इसमें क्या करता है, फंगस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन करेगा मिनरल एंड न्यूट्रिशन को नीचे से, और किसको दे देगा, प्लांट, और प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस बना के क्या दे देगा, फूड। तो बताओ दोनों एक दूसरे से क्या है, फायदे में। तो क्या हो गया, म्यूचुअल, क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म, क्लियर है? फिग और वास्प, किसकी बात है बेटा, फिग और वास्प। अब देखो इवोल्यूशन के टाइम पे अगर मैं बात करूं, कुछ ट्री ऐसे हुए हैं जो कि क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक ही स्पीसीज के इंसेक्ट से क्या हो सकता है, जिसका पॉलिनेशन हो सकता है, किससे हो सकता है बेटा, सेम स्पीसीज से, क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं बात करूं म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, फिग ट्री एंड वास्प, फिग ट्री का पॉलिनेशन से कौन करा सकता है, वास्प। तो क्या होता है बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एक ही और एक बम्बल भी वाला, फिग स्पीसीज इज पॉलिनेटेड ओनली बाय अ पार्टनर वास्प स्पीसीज एंड नो वन अदर स्पीसीज, द फीमेल वास्प पॉलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर अ सुटेबल एग लेइंग, अगर मैं बात साइड फॉर द फूड, मार्क करो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जो वास्प है, वास्प को क्या देने हैं, अंडे देने, क्या देने बेटा, तो एक सुटेबल जगह ढूंढती है, तो सुटेबल जगह कहाँ मिलती है उसको, फिग में, कहाँ मिलती है, फिग में। अब उसको सुटेबल जगह मिल गई तो अपने वो फिग क्या बोलता है, चल भाई तू अंडे दे दे, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ वो क्या करी, अंडे दे दी, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, पॉलिन लग जाते हैं उसके बॉडी में। फिर जब वो दूसरे फिग पर आती है तो क्या हो गया, प्लांट का पॉलिनेशन, और फिग और इंसेक्ट के साथ क्या हो गया, वास्प के साथ उसके बच्चों को जगह मिल गई। अब जब बच्चे अंडे से निकलते हैं और बड़े होते हैं
हैं तो उनको भूख लगती है, तो खाने के लिए फ्रूट रहता है, उसी फ्रूट पर फीड भी कर जाते हैं, उसका पॉलिनेशन करा दिए, दूसरे वाले को शेल्टर और फूड मिल गया, पता दोनों बेनिफिटेड थे नहीं थे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एमेंसिलिज्म। क्लियर? द फिग ऑफर म्यूचुअलिज्म। अगर मैं बात करूँ द फिग ऑफर द वास्प सम, अगर बात करें डेवलपिंग सीड एज अ फूड द वास्प लार्वा के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल ऑर्किड एंड बम्बल बी। ऑर्किड एंड, अब अगर मैं बात करूँ ये ऑर्किड का प्लांट है, देखो ऑर्किड दिख रहा, तो ऑर्किड का प्लांट की अगर मैं बात करूँ ये बहुत ज़्यादा क्या शो करता है? डाइवर्सिटी शो करता है फ्लोरल में अपने। इनके फ्लावर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इसने किस तरीके का डेवलपमेंट किया बेटा? अगर मैं बात करूँ ऑर्किड ने जो फ्लोरल पैटर्न बनाया है वो कैसा डेवलप कर लिया है? ऐसा लगेगा कौन है? फीमेल ऑर्किड है। कैसा लगेगा? फीमेल ऑर्किड। अभी दिखाता हूँ आपको ऑर्किड। सो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, जो कि कौन होता है? मार्क करेंगे बेटा बीज एंड बम्बल बीज, टू इंश्योर पॉलिनेशन। नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, सभी ऑर्किड रिवॉर्ड नहीं देते हैं। क्लियर है? ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सभी ऑर्किड रिवॉर्ड नहीं देते हैं। म्यूचुअलिज्म के अंदर ही आएगा ये भी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे कि म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल डिसीड ऑफ ऑफ्यूरस, अगर मैं बात करूँ वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल लाइक फीमेल बी, साइज कलर एंड मार्किंग। ये देखो दिख रहा है किस तरीके से डेवलप कर लिया है अपने पेटल को, कैसा लग रहा है? फीमेल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वो है नहीं। क्लियर? तो क्या होगा? ये देखो इसको क्या लगा? मेल को फीमेल दिख गई, अंधों की तरह चला गया वक्ते वक्ते, बोला फीमेल 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 और जाके बैठ गया। और वहां पे क्या करता है? सूडो पॉपुलेशन। सूडो पॉपुलेशन मतलब नकली पॉपुलेशन। इसको लग रहा होता है वो क्या है? फीमेल है। और क्या कर रहा होता बेचारा? कॉपुलेशन मतलब इतने चतुर हैं लोग इकोसिस्टम में, मतलब प्लांट इतने चतुर हैं कि एनिमल को बेवकूफ बना रहे हैं। तो तुम एनिमल की तो बात ही छोड़ दो, कितना बेवकूफ बनाते हैं, और इंसान तो तुम बोलो ही मत। क्लियर है? उनकी तो हद ही खत्म है। तो यहाँ देख रहे हो, मतलब प्लांट एनिमल को बेवकूफ बना रहा है, और एनिमल क्या सोच रहा है? वो फीमेल है, और उसके साथ क्या कर रहा है? कॉपुलेशन। वैसे कैसा? नकली कॉपुलेशन। मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रही पूरा इंसेक्ट को। क्लियर है? लेकिन वैसा रियलिटी में पॉसिबल? और प्लांट क्या करवा रहा है? बोले हाँ जो करना कर, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। और धोखे से क्या हो जाएगा? जब ये उड़ के जाएगा दूसरे प्लांट पे और गिर के बैठेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इसका पॉलिनेशन। तो इसका तो भाई कट गया सीधा सीधा, बेवकूफ बन गया। तो इसका क्या कर लिया गया यहाँ पे? प्लांट के द्वारा फायदा उठा लिया गया। क्या उठा लिया गया? फायदा। बेचारा पॉपुलेशन भी नहीं कर पाया, लेकिन उसको बेवकूफ बना दिए। इसीलिए क्या बोल रहे? अरे तो बोल तो रहे हैं सभी ऑर्किड अवार्ड रिवॉर्ड नहीं देते हैं। क्या बात समझ में आया? सभी नहीं देते हैं। एनसीईआरटी बोल दी पहले ये बात को। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वन पेटल ऑफ दिस फ्लावर रिजेंबल विद फीमेल बी, साइज कलर मार्किंग बता दिया हूं। और क्या करेगी? सो मेल बी सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर एंड इट्स डस्ट विद पोलन। समझ में आया? व्हेन दिस बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर, दोबारा से क्लियर है? इट ट्रांसफर पोलन टू इट। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे चैप्टर समाप्त। अरे क्लियर है? यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाता है? पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है।